नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा होते होते टला, 298 यात्री बाल बाल बचे। ग्राम पंचायत 5 लाख स्वच्छ भारत मिशन की उड़ रही है धज्जियां। सरपंच की हत्या के 1 माह बाद भी ग्रामीणों का प्रदर्शन। बच्चों को परोसा जाने वाला भोजन बन रहा है जानवरों का निवाला। विद्युत भवन परिसर में ऊर्जा रत्न सम्मान। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया, जहां विमान के टायर में हवा का दबाव अचानक कम होने से पायलट परेशान हो गया। जानकारी के अनुसार पायलट ने सूझबूझ से काम लेते हुए सऊदी एयरलाइंस की सेफ लैंडिंग करवाई। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब एयरलाइंस SV-891 जेद्दा से लखनऊ आ रहे विमान में 298 यात्री सवार थे। जेल में मोबाइल के प्रयोग को लेकर जेल विभाग ने पूरे प्रदेश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। ऑपरेशन के तहत 3 से 4 घंटों तक जेलों में मोबाइल, सिम, चार्जर आदि की तलाशी ली जाती है। राजस्थान में करीब 100 जेलों में प्रतिदिन यह तलाशी अभियान जारी है, जिसका परिणाम ये है कि पिछले 2 दिन में पूरे प्रदेश की जेलों से 160 मोबाइल, 30 चार्जर और 250 से अधिक मोबाइल, सिम बरामद हो चुकी हैं। ADG जेल भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जेलों में जैमर सिस्टम पूरी तरह से खराब है। इस कारण विचाराधीन कैदी बंदी जेलों में जमकर मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अब तक हुए सर्च में सबसे अधिक मोबाइल जयपुर सेंट्रल जेल में मिले हैं। पिछले 2 दिन तक चले सर्च अभियान में 58 मोबाइल अब तक जेल से बरामद हो चुके हैं। ऐसे हालात उदयपुर, भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा और अजमेर और जोधपुर जेलों के भी हैं। दरियाबंद ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक नगराज मीणा की अध्यक्षता एवं प्रतापगढ़ महिला कांग्रेस प्रभारी मीनाक्षी परमार, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष लता शर्मा, महिला ब्लॉक अध्यक्ष दिव्या सोनी, पूर्व सरपंच KB मीणा, प्रवक्ता देवेंद्र दमामी, उपसरपंच जसवंत सिंह कोढ़ारी, एडवोकेट हरीश मेघवाल, वार्ड पंच अनिल वक्तावत, अल्पसंख्यक ब्लॉक अध्यक्ष अल्लाह बख्श के विशिष्ट आतिथ्य में बैठक आयोजित हुई। बैठक में शक्ति कांग्रेस आवाज ऐप के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम जन को कांग्रेस पार्टी से जोड़ते हुए पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया गया तथा महिलाओं को पार्टी में अधिक से अधिक सहभागिता निभाकर एकजुट होकर आगामी चुनाव में कार्य करते हुए कांग्रेस पार्टी का विजय परचम लहराने की अपील की गई। इस दौरान शक्ति ऐप को लॉन्च किया और होली स्नेह मिलन भी आयोजित किया गया। जोधपुर के ओसिया कस्बे की पंचायत समिति में नव नियुक्त विकास अधिकारी नवला राम चौधरी ने पदभार ग्रहण कर कार्यभार संभाला। चौधरी बाड़मेर से स्थानांतरित होकर ओसिया आए हैं। वहीं चौधरी ने पंचायत समिति का निरीक्षण कर सभी कर्मचारियों की बैठक लेते हुए उन्हें आम जन के कार्य समय पर करने और उनकी समस्याओं का निवारण कर उन्हें संतुष्ट करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मैं कर्मचारियों को साथ लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर आम जन को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। ग्राम पंचायत 5 लाख सरपंच बबदेन सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन को मजाक बनाकर रखा है। सांचौर तहसील के 5 लाख गांव के रास्ते के बीचों बीच हमेशा गंदे पानी के गड्ढे भरे रहते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो सड़क के ही ऊपर बड़े बड़े कचरे के ढेर नजर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक सड़क के ऊपर कोई नाली तक नहीं बनाई गई है, मगर कागजों में तो 2 बार नालियां बन चुकी हैं। पंचायत की गलतियों से हमेशा गंदे पानी से कई लोग बीमार पड़ते हैं। 5 लाख गांव उप सरपंच बगदेव सोनी ने बताया कि सरपंच और ग्राम सेवक अपनी मन मर्जी से कार्य करते हैं। ये इनकी तानाशाही है या अधिकारियों की मिलीभगत, ये देखने वाली बात है। पाली के खिवाड़ा में रात को पुलिस की गश्त व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण चोरों ने धन लाके जैन मोहल्ले में 3 मकानों के ताले तोड़ दिए और नकदी पार कर गए। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जैन मोहल्ले में घीसूलाल मेहता, जैन न्याधि भवन व सुरेश पुलमिया के मकान के ताले तोड़ दिए गए, जिसमें घीसूलाल मेहता के किराएदार घीसू खान के मकान में कपड़े के बैग में रखे हुए लगभग
30,000 रुपए चोर ले जाने में सफल हो चुके हैं। जिस रात चोरी हुई उस रात किराएदार परिवार सहित घर में सो रहा था। अन्य दो स्थानों से भी माल चोरी होने की संभावना बताई गई है, जिसका पता मकान मालिकों के आने के बाद ही लगेगा। पूर्व में हुई चोरियों का पता लगाने में भी पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। उपखंड बौली के ग्राम हथडोली के सरपंच रघुवीर मीणा की हत्या के एक महीने बाद भी ग्रामीणों का प्रदर्शन अभी तक थमा नहीं है। धरना प्रदर्शन और अनशन के बाद दोपहर में ग्रामीणों ने पंचायत समिति परिसर में जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि 14 फरवरी की रात को बजरी माफियाओं द्वारा हथडोली सरपंच रघुवीर मीणा की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही हथडोली में सरपंच पद रिक्त है। साथ ही पंचायत की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी योगेश कुमार व प्रधान कमली मीणा को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र चुनाव करवाने और क्षेत्र की चरागाह भूमि पर मेड़बंदी करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी न किए जाने पर भारी जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बजरी माफियों ने उसको मिलकर मार दिया गया, उसका मामला उनको न्याय नहीं मिला, चीज का मामला उन्होंने ज्ञापन किया है। हमारे सरपंच साहब का मृत्यु का मामला में न्याय नहीं मिलेगा, तो ये प्रत्येक धरना प्रदर्शन हम भूख हड़ताल कर दिए। मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहा, मेन मुलजिम तो गिरफ्तार ही नहीं हुए। ये मांग हमारे चरागाह भूमि का अतिक्रमण मुक्त नहीं हो रहा है। एस डी एम तहसीलदार ये कहता है कि नहीं हूँ मौका पर, तो अतिक्रमण और अतिक्रमण में पछला खड़ी हो अब तक। राजस्थान में सरकारी सामान चोरी करने में नंबर वन है लोग। कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कि राजस्थान में सरकारी सामान चोरी और गबन करने के कुल 549 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी सामान की चोरी के मामले में राज्य सरकार को 6,702 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सरकारी सामग्री की चोरी और गबन के सबसे अधिक 254 मामले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सामने आए हैं, जिससे 3,000 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं राजस्व विभाग में चोरी के 34 मामले में 187,07,000 रुपए का गबन और 44 प्रकरणों में 1,091 लाख रुपए के मामले सामने आए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा विभाग की जाए तो वहां चोरी और गबन के 193 मामले सामने आए हैं, जिससे सरकार को लगभग 1,468 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। चिकित्सा विभाग में चोरी और गबन के 74 मामलों में 579 लाख रुपए और सार्वजनिक निर्माण विभाग में 29 मामलों में 508 लाख रुपए, जल संसाधन विभाग के 4 मामलों में 34,50,000 रुपए, भूजल विभाग में 16 मामलों में 34,54,000 रुपए, सिंचित क्षेत्र विकास इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 4 मामलों में 7,44,000 रुपए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 13 मामलों में 120,13,000 रुपए, वन विभाग मामलों में 107,67,000 रुपए और अन्य विभागों में 210 मामलों में 2,316 लाख रुपए का नुकसान सरकार को झेलना पड़ा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु से भेंट के दौरान श्री देवनानी ने अजमेर के निकट हाल ही में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के प्रयासों से शुरू हुए किशनगढ़ हवाई अड्डे से और अधिक संख्या में हवाई उड़ानें शुरू करने की मांग रखी। विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, अन्य महानगरों व देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के साथ विदेशों से भी हवाई यात्राएं प्रारंभ करने को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि तीर्थराज पुष्कर और अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अजमेर का अपना विशिष्ट स्थान है। नई उड़ान शुरू होने के साथ ही पर्यटकों को यहां आने में और सुविधा होगी। केंद्रीय मंत्री ने देवनानी की मांग पर यथा शीघ्र उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एसओजी के आईजी दिनेश एमएन ने बताया कि सरस्वती इंफोटेक से गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक संजय ने पूछताछ में बताया कि उसका रिश्तेदार प्रमोद और उसके साथियों द्वारा भी डॉल्फिन किड्स इंटरनेशनल स्कूल सेंटर पर आने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा पेपर भिवानी में बैठकर हल करने का खुलासा किया। इसके बाद वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो मामला खुला। 5,000
359 पदों के लिए 45 दिन चलने वाली ऑनलाइन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 7 मार्च से शुरू हुई। राजधानी के कुल 19 में से 2 सेंटरों में हरियाणा के गैंग ने दूसरे दिन 8 मार्च से ही हैक कर लिया। परीक्षा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, झुंझुनू, कोटा, सीकर और श्रीगंगानगर में 34 सेंटरों पर हो रही है। राजधानी जैसी जगहों पर हैकर पुलिस को चैलेंज दे सकते हैं, तो अन्य सेंटरों के बारे में क्या कहा जाए? अधिकारी मान रहे हैं कि अन्य गिरोह भी सक्रिय हो सकते हैं। इस परीक्षा के 16 लाख अभ्यर्थी खुद को अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बच्चों के लिए सरकार की ओर से बनाई गई इस योजना का उद्देश्य बच्चों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है, लेकिन बच्चों के लिए बनाया गया भोजन जानवरों का निवाला बन रहा है। अजमेर के खारीकुई स्थित राजकीय सिंधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के लिए आया भोजन स्वयं बच्चों के हाथों से जानवरों को खिलाया जा रहा है। शाला के प्रधानाचार्य भी इस घटना से बखूबी वाकिफ हैं। भोजन का इस तरह से जानवरों को परोसे जाना कहीं न कहीं भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाता है। यही वजह है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जानवरों को अपने हिस्से का भोजन परोसते हैं। वहीं शाला प्रधान कांता मथानी ने इस घटना को सिरे से नकारते हुए कहा कि बच्चों द्वारा कोई भी भोजन जानवरों को नहीं परोसा गया। बच्चे घर से खाना खाकर आते हैं, जिसके चलते वे कम भोजन करते हैं और अक्षय पात्र से ज्यादा मात्रा में भोजन आता है। इस कारण कुछ भोजन बच जाता है, जिसे पास में रहने वाले जानवरों में बांट दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब इस मामले में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर से बात की गई, तो उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भोजन की गुणवत्ता को ठीक नहीं बताया और कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हें बेहतर भोजन उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। जहां लाखों रुपए खर्च कर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अक्षय पात्र का उद्घाटन किया, उसी अक्षय पात्र के भोजन से बच्चे दूरी बना रहे हैं। नसीम अख्तर ने इस मामले को सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। सुबह 8:30-9 बजे के बीच में आ जाता है और बच्चों का इंटरवल 10 बजे होता है और दोपहर में भी हमारा 12:30-1 बजे के बीच में आ जाता है, बच्चों का इंटरवल 3 बजे होता है। दोनों शिफ्ट में स्कूल चलती है, अक्षय पात्र से आते हैं, दोनों टाइम का खाना अक्षय पात्र से आता है। सर बिल्कुल सही आता है, सब्जी वगैरह दलिया बहुत अच्छा आता है, खीर भी बढ़िया आती है, रोटी बस मशीन की है जो बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं, बाकी तो बढ़िया ही आता है। नहीं नहीं सर, जानवरों को तो नहीं डालते हैं, वही हमारे क्या है कि कभी बच जाता है क्योंकि बच्चे कम है और इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही है हमारे बच्चों की। छोटे बच्चे हैं ना, दोपहर में आते हैं तो 12:30 बजे स्कूल आते हैं तो खाना खा के आते हैं कभी बच्चे घर से, तो 3 बजे थोड़ा कम ही खाना पसंद करते हैं, सुबह तो फिर भी सारे बच्चे खा लेते हैं। अभी हमने वीडियो देखा, उसमें मिड डे मील का खाना जो स्कूलों में दिया जाता है उसको बच्चों द्वारा जानवरों को डलवाया जा रहा है, एक वीडियो सामने आया। तो मेरी तो सरकार से मांग है, सरकार की शिक्षा मंत्री जी से भी मांग है कि मिड डे मील का खाना अगर बच्चों द्वारा जानवरों को दिया जा रहा है बाहर गलियों में जाकर, तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस मिड डे मील के खाने की क्वालिटी को वो चेक करें, और क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है, उनके स्वास्थ्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं पुरजोर तरीके से सरकार से मांग करती हूँ कि मिड डे मील का खाना जिस अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया है उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से किया के हाथों से किया गया है, तो मेरी मांग है, उस फाउंडेशन से भी मांग है कि आप अच्छी क्वालिटी का खाना लोगों को दें, ताकि ये बच्चे लोगों को नहीं बच्चों को दें, ताकि बच्चे देश का भविष्य है। ये अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो बच्चों से क्यों डलवाया जाता जानवरों, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करे, क्योंकि मिड डे मील पर सरकार इतना रुपया खर्च करके मिड डे मील जब स्कूलों में उपलब्ध कराती है तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है उसकी क्वालिटी भी ठीक हो, ताकि बच्चे यहाँ कहाँ जानवरों को बांटते नहीं। जोधपुर के BJS इलाके में स्थित श्रीराम सोसाइटी में आज डिस्कॉम विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी का पर्दाफाश किया है। विजिलेंस टीम को शिकायत मिली थी कि श्रीराम कॉलोनी विकास समिति द्वारा कॉलोनी में पिछले लंबे समय से नलकूप पर अवैध बिजली कनेक्शन लेकर
ऊंची पहुंच वाले लोगों के घरों में पानी की सप्लाई की जा रही है। विजिलेंस टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो सामने आया कि पिछले लंबे समय से सोसाइटी के पदाधिकारी कॉलोनी में सड़क पर नलकूप को खुदवाकर पास से गुजर रही विद्युत लाइन से अवैध कनेक्शन लेकर ट्यूबवेल को चला रहे थे। टीम ने कार्रवाई करते हुए सोसाइटी के पदाधिकारियों के खिलाफ बिजली चोरी करने पर शीट भरने की कार्रवाई की। विजिलेंस टीम ने सोसाइटी के पदाधिकारियों के खिलाफ विद्युत चोरी करने का मामला भी दर्ज किया है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को समय रहते जुर्माने की राशि जमा करवाने के निर्देश भी दिए हैं और यहां से विद्युत लाइन से लिए गए अवैध केबल को भी जब्त कर लिया गया है। जयपुर में मेरा अधिकार संस्था की ओर से विधानसभा स्थित विद्युत भवन के मुख्य सभागार परिसर में ऊर्जा रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह उपस्थित थे। इस समारोह का आयोजन ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी सराहनीय सेवाएं और उत्कर्ष उपलब्धि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया। आयोजन में राजस्थान के अलग अलग शहरों से आए विद्युत विभाग के अधिकारी, विद्युत विभाग के कर्मचारियों को निदेशक आरजी गुप्ता द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही पुष्पेंद्र सिंह ने किसानों को मिल रही बिजली को लेकर चर्चा भी की और शाहपुरा में हुए ट्रांसफार्मर कांड की जांच सीबीआईपी को भी सौंपी गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलरी क्लिंटन 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर में रही। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जोधपुर भ्रमण किया। सुबह हिलरी क्लिंटन जयपुर के लिए रवाना हुई। वह 2 दिन तक उम्मीद भवन में ठहरी हुई थी। इस दौरान एक हादसे में हुई एक चोट लगने के कारण उन्होंने जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।